आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी में तेजी से बदलाव के कारण थायराइड रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। थायराइड एक तितली के आकार का ग्लैंड है जो हमारे शरीर में महत्वपूर्ण ग्लैंड में से एक है। ये गर्दन के बेस पर स्थित होता है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के समुचित कार्य में हमारी मदद करता है। नतीजा ये होता है कि हमारे थायराइड हेल्थ को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। डाइट में पोषक तत्वों से भरपूर फूड्स को शामिल करना और हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखना थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर फूड्स के बारे में बता रहे हैं जो थायराइड फंक्शन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं ताकि आपकी थायराइड के जो स्वास्थ्य है वो ठीक रह सके। तो चलिए विस्तार से हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आंवले की। हम सब जानते हैं कि आंवला हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर माना जाता है। ये हमारे थायराइड को हेल्दी रखने में भी हमारी मदद करता है। आंवला में संतरे से 8 गुना और अनार से करीब 17 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है। ये भारतीय फल वास्तव में अपने सुपरफूड का दर्जा पाने का हकदार है। ये बालों के लिए एक सिद्ध टॉनिक है। ये सफ़ेद होने को धीमा करता है, रूसी को रोकता है, बालों के रोम को भी मजबूत करता है और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है जिससे बालों के विकास में सुधार होता है। अब ये देखिए कि थायराइड के मरीजों को इसका सेवन कैसे करना है। ग्राफिक के माध्यम से आप देख सकते हैं। विधि देखिए, एक चम्मच आंवला पाउडर ऑर्गेनिक शहद के साथ लें या आंवले के रस को गर्म पानी के साथ रोजाना नाश्ते से आधा घंटा पहले लें। आप देखेंगे कि थायराइड में यह आपको बहुत फायदा पहुंचा रहा है। अगला है केला। क्या आपने कभी सोचा है कि केले में ऐसे कौन से गुण हैं जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं? हम आपको बता दें कि इसमें विटामिन B6 भरपूर मात्रा में होता है। इसके अलावा केले में विटामिन सी, डाइट्री फाइबर और मैग्नीज का अच्छा स्रोत है। केला फैट, कोलेस्ट्रॉल और सोडियम फ्री होता है, जबकि केला एक आम फल की तरह लग सकता है। केले में वास्तव में थायराइड रोग को ठीक करने के काफी गुण पाए जाते हैं। ये शक्तिशाली गुण होते हैं। केला न्यूरोट्रांसमीटर को बहाल करने में भी मदद करता है और जो न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से जो लोग जूझ रहे हैं उनके लिए भी एक उपचार की तरह कार्य करता है। थायराइड के लक्षणों में एक है, आपने सभी ने सुना होगा, जिसका नाम है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसके लिए केला बहुत अच्छा होता है। विधि देखिए ग्राफिक के माध्यम से कि कैसे हम खा सकते हैं। आपको किसी भी समय सुबह, दोपहर, शाम सिर्फ केला खाना है तो आप खा सकते हैं और इसके लिए कोई विधि में बहुत ज़्यादा कुछ करने को नहीं है। लेकिन एक सावधानी इसकी ज़रूर है। यदि आप साइनसाइटिस, सर्दी, खांसी, मोटापा या डायबिटीज से परेशान हैं तो बेहतर होगा आप केले का सेवन ना करें, आप आंवले का ही सेवन करें। अगला है नारियल। नारियल थायराइड से परेशान महिलाओं के लिए सबसे अच्छा फूड माना जाता है, चाहे वो कच्चा नारियल हो या नारियल का तेल। यह स्लो और डल मेटाबॉलिज्म में सुधार करता है। नारियल में MCFA यानी मेडिसिन चेन फैटी एसिड और MTC यानी मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड भरपूर मात्रा में होते हैं जो मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके लिए विधि क्या है? रोजाना सुबह सबसे पहले 1-2 चम्मच वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड नारियल को गर्म पानी के साथ सेवन करें। तो इन 3 सुपर फूड को अपनी डाइट में शामिल करें और थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके साथ अपनी दवाओं को जारी रखना है और अपने डॉक्टर से ही इसे अपनी डाइट में शामिल करवाना होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, कोई भी बीमारी अगर आपको है तो अपने वैद्य या डॉक्टर से जरूर सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही ये प्रयोग करें। ये था आयुर्वेद समाधान। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए तरीके और नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।